साला पता लग जाए दुनिया की आए धरती से राज करना राज। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपको मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि डॉन केवल मुंबई में नहीं, डॉन हर जगह पाए जाते हैं और पंजाब में तो ज़्यादा पाए जाते हैं। मुंबई तो वैसे ही बदनाम है सर। हम चलते हैं जलंधर के एक पास गांव में। जलंधर के पास एक छोटा सा शहर है करतारपुर, उसके पास एक गांव है कालवा करके। कालवा में दो एक परिवार होता है और नाम है उस गैंग का, जो गैंगस्टर का नाम है सुखा कालवा। हालांकि माता पिता ने नाम उसका कुछ और रखा था, लेकिन उसने अपना नाम सुखा कालवा रख लिया था, अपने गांव को अपने नाम के साथ जोड़ दिया था। अब सुखा कालवा के जो माता पिता होते हैं उनका एक बड़ा भाई होता है जो अमेरिका चला जाता है, बस जाता है। अब पंजाब में कल्चर है कि हर आदमी को बाहर जाने का शौक है और वो बाहर जाना पसंद करता है। आपको कुछ गांव ऐसे मिलेंगे कि हर घर से एक व्यक्ति बाहर है, और इसी तरह से सुखा कालवा के चाचा बाहर चले जाते हैं और फिर उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी एक उम्मीद लगाते हैं कि ये हमको ही बुलाएंगे, और ऐसा ही होता है। 17 साल की उम्र तक, जब तक सुखा कालवा 17 साल की उम्र में आता है, तो उसके जो चाचा होते हैं उन लोगों को वीजा भेज देते हैं। अब पासपोर्ट होते नहीं लोगों के पास, तो पासपोर्ट के लिए ये लोग अप्लाई करते हैं। इसी दौरान सुखा कालवा का गांव में लड़कों के साथ झगड़ा हो जाता है और सुखा कालवा का नाम उस झगड़े में आ जाता है, जिसके कारण सुखा कालवा का पासपोर्ट नहीं बनता, लेकिन उनके माता पिता का पासपोर्ट बन जाता है, जिसके कारण वीजा आया होता है और उनको अमेरिका जाना पड़ता है। तो सुखा कालवा के पिता सुखा को समझाते हैं, चलो तुम्हारा पासपोर्ट आज ही बना, ये केस निपटने के बाद तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा और हम तुमको बुला लेंगे। सुखा कालवा के भी आंखों में सपने होते हैं कि मैं भी बाहर जाऊंगा, जैसे हर युवा के सपने होते हैं, पंजाबी युवा के, कि बाहर जाना है और बाहर जाकर कुछ करना है और खूब सारे पैसे कमाने हैं। अब उसके माँ बाप बाहर चले जाते हैं, सुखा कालवा अपनी मौसी के घर पर रहता है, साथ में उसका एक भाई भी होता है, वो दोनों उधर ही रहते हैं। अब 17 साल की उम्र में सुखा कालवा के जब माँ बाप सिर पर नहीं होते तो आदमी कुछ भी करता है। धीरे 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 उसकी जो एक्टिविटी थी वो बढ़ गई, धीरे धीरे उसके जो दोस्त थे, संगत थी, वो पूरी होनी शुरू हो गई, और इसी दौरान एक शादी के समारोह में उसे एक लड़की मिलती है। लड़की मिलती तो लड़की के साथ उसे प्यार हो जाता है। अब जो लड़की के जो घरवाले होते हैं वो इस शादी के लिए मानते नहीं, क्योंकि सुखा कालवा की हैसियत उनसे कम थी, और जो घरवाले थे, लड़की के घरवाले थे, उसके पापा का एक बड़ा रिसोर्ट था, फादर का बड़ा रिसोर्ट था, बड़े कारोबारी थे, वो शादी को मानते नहीं हैं। और लेकिन मोहब्बत है जो मानती नहीं है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो जाती है और ये बढ़ती रहती है। फिर किसी कारण सुखा कालवा जलंधर में आ जाता है और अपने एक जो गैंग है उसका बनता रहता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जो मोहब्बत होती वो दोनों में आपस में होती है, लड़का लड़की में, तो सुखा कालवा के घरवाले और लड़की के घरवाले मान जाते हैं और शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो 2008 को सुखा कालवा की शादी होती है उसी लड़की से और दोनों खुश होते हैं। लेकिन अब कोई काम धंधा था नहीं सुखा कालवा के पास, और लड़की के जो फादर थे वो काफ़ी अच्छी हैसियत रखते थे, उन्होंने सोचा कि हम दोनों को बाहर भेज देते हैं। अब सुखा कालवा के पास पासपोर्ट नहीं था, लड़की ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, वहाँ पर जॉब करती है। सुखा कालवा के तब तक इतना लिंक बन चुका था, क्योंकि वो एक्टिविटी ऐसी थी पंजाब में, जुगाड़ से हर सिस्टम हर काम होता है, तो सुखा कालवा ने अपना भी पासपोर्ट जुगाड़ से बनवा लिया और वो भी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। तब तक हालात सब ठीक थे। ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वहाँ पर पहले तो सब ठीक ठाक रहता है, बीवी जॉब करती है, सुखा कालवा कोई काम नहीं करता, दोनों में आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो सुखा कालवा को लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए है नहीं, और वो एक दिन बिना बताए अपनी बीवी को इंडिया वापस आ जाता है। लेकिन इस बार वह नहीं, अपने गांव कालवा नहीं, जलंधर में आ जाता है। जब वो जलंधर में आता है तो बड़े बड़े नेताओं के साथ एक संपर्क में आ जाता है, कांग्रेस के कुछ लीडर थे जिसके संपर्क में वो आ जाता है, और अपना एक गैंग गठित करता है। उसके दोस्त लोग काफ़ी बन जाते हैं, कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, भगवान जगतपुरिया, हनु, ये
बहुत सारे जो गैंगस्टर थे उसके अंडर काम करते हैं। हालांकि विक्की गोंडर जिसने उसको मारा और सोनू बाबा ये भी उसके लिए ही काम करते थे एक साथ सब मिलकर। इसी दौरान सुक्का कानो एक मर्डर कर देता है प्रधान का, फिर पुलिस उसको वांटेड हो जाती है, पुलिस उसको ढूंढती है। हालांकि वो तीन चार बार पुलिस के सामने भी आता है, एनकाउंटर भी होता है, लेकिन भाग जाता है। फिर एक बार 2010 में वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करती है पुलिस तो वो जेल में होता है। और 2010-11 में ही आप जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग आ चुकी थी, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में उसे काफ़ी लगाव था, काफ़ी प्यार था। तो वो जेल में रहते हुए ही अपने फेसबुक आईडी से, फेसबुक पेज से अपनी फ़ोटो डालता और जो उसने अपराध किए उनके बारे में लोगों को बताता, और उसका जो पेज है वो बढ़ता रहा और युवा पीढ़ी जो है उसके बहुत प्यार करने लगी और उसकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बढ़ने लगी। तो पुलिस की नज़रों में ये एक बार आ गया कि जेल में रहते हुए फेसबुक में कैसे ये सब हो रहा है। लेकिन जुगाड़ से सेटिंग होती है, हर जगह हर काम होते हैं। सुक्का कालवा 2010 को फिर एक बार जेल से भाग जाता है। जेल से भागता है तो राजस्थान होते होते वो यूपी पहुंच जाता है। यूपी में उसको एक कुख्यात जो गैंगस्टर है जामिन नाम का है उससे उसकी मुलाकात होती है। जब उससे मुलाकात होती है तो दोनों में एक गैंग बन जाता है। सुक्का का अलावा भी दलेर था, एक गैंग बन जाता है। ये लोग खूब सारी लूटमार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक कहते हैं कि बहुत बड़ा जोहरी था, इन्होंने लूटमार करी जोहरी की, और उस जोहरी के जो सोना इन्होंने लूटा था उसमें बांटदार में थोड़ा जामिन के साथ इसका झगड़ा हो जाता है आपस में। अब जब झगड़ा होता है, ये सुक्का कालवा उत्तर प्रदेश में था, जामिन के एरिए में था, एरिया भी जामिन का था, जामिन के लोग और जामिन खुद एक प्लान बनाते कि सुक्का को अब मार देंगे क्योंकि इससे हम जिसका हिस्सा हम नहीं देंगे, इसको जो इसका हिस्सा होगा वो हम ही रखेंगे। तो वो लोग सुक्का का गला रेत कर चाकू से उसको जमुना नदी में फेंक देते हैं। लेकिन किस्मत अच्छी होती है, सुक्का कालवा फिर भी वहाँ से बच जाता है। गाँव के लोग कुछ मिल जाते हैं, वहाँ पर अस्पताल में जाता है, इलाज कराता है और उसका बच जाता है। लेकिन इसी दौरान थोड़े दिनों बाद वो पुलिस के द्वारा फिर अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो जाता है तो एक इनके आपस में जो गैंग था, तो सुक्का कालवा ने ना पहले दो मर्डर किए थे। पहला मर्डर जो उसने किया था एक प्रधान का किया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरा जो मर्डर था उसने किया था एक लवली का। जो लवली था वो सुक्का गैंग के जो चार पांच लोग थे उनके आपस में ही दोस्त थे ये लोग। लवली भी सुक्का का ही दोस्त था। तो उसका एक दोस्त था खास सोनू बाबा करके। अब सोनू बाबा जो होता है वो इस चीज़ से नाराज होता है कि सुक्का कालवा ने मेरे दोस्त लवली को मारा है तो मैं इसकी गवाही दूंगा, इसके अगेंस्ट गवाही दूंगा कोर्ट में। तो एक बार सुक्का कालवा उसको मना भी करता है कि आप मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही मत देना, लेकिन सोनू उसके लिए कोर्ट में गवाही देता है। जाकर उसी कोर्ट में पुलिस के सामने जब गवाही दे के बाद वापस आता है, सोनू और सुक्का कालवा का आपस में झगड़ा हो जाता है। तो सुक्का कालवा उसको बोलता है कि आज तक तूने अपनी कर ली, लेकिन जब मैं छूट के आऊँगा ना, और मैं छूट तो जाऊँगा ही, उस दिन तू नहीं रहेगा। अब सोनू इस बात से गुस्से में आकर सुक्का कालवा को थप्पड़ मार देता है पुलिस के सामने। इसी बात से सुक्का कालवा और नाराज होता है और वो बोलता है कि मैं तो तुझे मारूंगा ही। इसके बाद वो पुलिस उसको लेके जाती है जेल में, और जेल में सुक्का कालवा फिर फेसबुक के थ्रू सोनू को धमकी देता है। अब सोनू के मन में ये बैठ गया था, एक डर बैठ गया था कि सुक्का कालवा मुझे मार देगा, और अगर बोला है वो किसी न किसी मुझे मारेगा ही, क्यों ना इसे मैं ही ख़त्म कर दूँ। तो एक ना सुक्का कालवा के एक दोस्त और होता है विक्की गोंडर, वो भी इसी तरह से सुक्का कालवा से नाराज होता है, और सोनू उसको सुपारी देता है कि तुमको सुक्का कालवा को मारना है, अगर तुम इसको मारोगे तो मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा और दूसरी तरफ तुम एक बड़े डॉन बन जाओगे। विक्की गोंडर इसको कबूल कर लेता है सुपारी को और रजामंद हो जाता है। विक्की गोंडर की भी कुछ आपसी में दुश्मनी थी सुक्का कालवा के साथ, हालांकि सब पहले एक ही थे, एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही घूमते थे, लेकिन दुश्मनी है तो दुश्मनी तो होती ही है। इसी दौरान
सुक्खा कालवा की जो बीवी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसको मालूम चलता है कि सुक्खा कालवा जेल में है। अब लड़ाई झगड़ा तो पहले ही हुआ था, लेकिन वो वापस आती है और अपनी राजामंदी से दोनों से डिवोर्स ले लेती है। सुक्खा कालवा को समझ लग जाता है कि अब मेरा रास्ता इसके साथ नहीं जमेगा, मेरी बीवी के साथ, तो दोनों का आपस में डिवोर्स हो जाता है। तो एक दिन ऐसा आता है, एक प्लानिंग बनाई जाती है कि सुक्खा कालवा को हम लोग कोर्ट के अंदर, जलंधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी पार्किंग के अंदर मारेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे हो जाती हैं, सुरक्षा है, बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर नहीं हम ऐसे मार सकते। तो एक दो बार वो फेल हो जाते हैं। और सुक्खा कालवा जब भी चलता था तो पुलिस की गाड़ी तो साथ में चलती थी, लेकिन सुक्खा कालवा के जो आपसी लोग थे, आपसी उनके गैंग थे, लोग थे, वो भी उसकी निगरानी में चलते थे। 21 जनवरी 2015 का वो दिन, जब सुक्खा कालवा की तारीख भी थी और सुक्खा कालवा के किसी दोस्त की शादी भी थी, और इसी कारण के साथ सुक्खा कालवा के जो गैंग के लोग थे वो उस शादी में मशरूफ थे, बिजी थे। जो नाभा जेल से सुक्खा कालवा को लाया गया, लेकिन उसके दोस्त उस दिन नहीं आए। अब ये लोग पुलिस वाले, 6 पुलिस वाले थे जो नाभा जेल से जलंधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको लाते हैं। कोर्ट की तारीख भुगतने के बाद जलंधर दिल्ली हाईवे पर फगवाड़ा के थोड़ा सा आगे पुलिस की गाड़ी को एक 2 SUV आगे से पीछे से रोक लेती है, कवर कर लेती है और हथियार निकालती हैं। पुलिस वाले 6 लोग थे सिर्फ, उन सबके हथियार वो छीन लेते हैं। 15-20 लोग होते हैं, पुलिस वाले 6 लोग। अब पुलिस वालों के पास कैसे हथियार हैं ये तो आप जानते ही हैं, और गैंगस्टर लोगों के पास कैसे हथियार हैं ये भी आप लोग जानते हैं। तो वो पुलिस वालों के हथियार छीन लेते हैं, पुलिस वाले भी चुपचाप रहते हैं, तमाशबीन बन जाते हैं। हथियार छीनने के बाद उस गाड़ी में 2 कैदी थे, एक सुखा कालवा, एक और पुलिस 15-20 लोगों ने छरेआम इतनी गोलियां चलाई, कहते हैं कि सुखा कालवा की बॉडी के ऊपर 100 गोली थी, लेकिन लिखा गया 60 गोली सुखा कालवा की बॉडी से निकली। सुखा कालवा को मार देते हैं वो लोग, और उस जो दूसरा कैदी था उसको 1 भी गोली नहीं लगती। मारने के बाद सुखा कालवा की वो बॉडी बैंक, पुलिस की बैंक से वो निकालते हैं और बॉडी के ऊपर उठाकर उसके सामने नाच के बंगड़ा डाल के और पुलिस वालों को उनके हथियार देके और बोलते हैं, कोई पूछेगा तो ये बोलना कि विक्की गोंडर की गैंग ने इसको मारा है। अब ये थी कहानी सुखा कालवा की। जब वो मर जाता है, उसके परिवार को मालूम चलता है कि हाँ भाई बेटा हमारा चला गया है, तो उसके पिता आते हैं भारत में, तो वो बोलते हैं कि मुझे सुक्खा कालवा ने पहले ही बोल दिया था कि मुझे शायद मार दिया जाएगा, पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी या फिर पुलिस की कस्टडी में ही मुझे मेरे लोग ही मार देंगे, मेरे जो दोस्त हैं वो ही मार देंगे। और उसमें विक्की गोंडर का भी नाम था और सोनू बाबा का भी नाम था। अब धीरे धीरे मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद 2019 में एक फैसला आता है, इसमें 11 लोग थे जिनका नाम था। अब 11 लोग में से एक फरार है, 2 लोग 2018 में एनकाउंटर हो गया था जिसका एक नाम था विक्की गोंडर जो मेन इनका था, कातिल था सुखा कालवा का, और एक प्रेम लोरिया। ये दोनों लोग का पुलिस एनकाउंटर करती है 2018 में, किसी और मामले में, इस केस में नहीं। और जो 8 लोग थे उनको बरी कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि उनको बरी क्यों किया गया या क्या हुआ। जो कोर्ट है वो उनको बरी इसलिए करती है, वो कहते हैं कि जो इनके पास हथियार बरामद हुए हैं और जो सुक्खा कालवा की बूढ़ी से गोलियां मिली हैं वो इन हथियारों से मैच नहीं करती, वो इन हथियारों की नहीं है। और 2 जो SUV थी उसमें से 1 SUV नहीं मिलती, दूसरी SUV मिल जाती है, 1 SUV मिलती नहीं है। इस शक की बुनियाद पे ये लोग नहीं उसमें गुनहगार पाए जाते तो ये बरी हो जाते हैं। 8 लोग जो होते हैं, 2 मर जाते हैं, 1 अब तक फरार है। अब आप देखिएगा कि कैसे, आप देखिए एक आदमी को मार दिया जाता है सरेआम, और जो उनके मुलजिम हैं उनको बोल दिया जाता है कि इनकी गोलियां अलग थी, इनके हथियार अलग थे, और पुलिस वालों से हथियार लेके भी वो लोग जाते हैं और पुलिस वाले उनको पहचानते भी नहीं हैं। अगर पहचानते नहीं तो फिर उन लोगों को पकड़ा क्यों गया था? सब लोग जानते हैं कि वो सरेआम बोल कर गए थे कि विक्की गोंडर के गैंग ने उनको मारा है।
और कुछ ही दिनों बाद जब वो बरी हो जाते हैं, कुछ ही दिनों बाद दूसरी गाड़ी मिलती है जलंधर से, और वो दूसरी गाड़ी एक इंस्पेक्टर के घर से मिलती है, जिस इंस्पेक्टर को 2019 में दोबारा किसी केस में पकड़े गए थे ड्रग्स के मामले में, और उस इंस्पेक्टर की वो गाड़ी होती है। लेकिन होता कुछ नहीं है बाद में, क्योंकि पहाड़ी पुलिस की थी, और कहते हैं कि सबसे बड़े गुंडे जो होते हैं वो पुलिस वाले ही होते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि एक जो बच्चा था जो बाहर जाना चाहता था, जिसके सपने थे कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगा लिखूंगा कुछ कमाऊंगा, लेकिन वो अलग रास्ता अपनाता है जुर्म की दुनिया का। जो रास्ता होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन होता बहुत छोटा है। जिस प्रकार से सुखा कालवा की मौत थी वो बेहद दुखद थी, लेकिन कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुखा कालवा की। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आप इसी तरह की कोई कहानी सुनना चाहते हो, तो हमें मेल कीजिए या हमें कमेंट कीजिए। नमस्कार, मैं पंकज।